पॉलिसी नीतियां, पार्टी की कार्य पद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना, अपने मध्य क्षेत्र के लिए भी काम करना और राज्य की इन टोटो कुल मिलाकर सूखा कार्य के लिए भी काम करना। लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए बड़ा सरल होता है, उनको रोजमर्रा के कामों के लिए चाहे म्यूनिसिपालिटी हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके एड्रेस करना होता है। विधायकों को मैंने जो कहा इन तीन प्रकार से काम करना पड़ता है और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मध्य क्षेत्र और पार्टी, इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई है। और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रभावी विधायक कैसे बनना है, तो तीनों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए, संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारा संवैधानिक दायित्व तो निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उत्सुकता से ही, जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं। और ये सारा प्रसन्नता के साथ करना होता है। मैं हम सभी को, मैं भी इसमें आ जाता हूं, हमें किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा है कि भाई आइए और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का उद्धार करिए या छत्तीसगढ़ राज्य का उद्धार करिए। हम सब अपने आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। जब आगे आए हैं तो कठिनाइयां भी आएगी, समस्या भी आएगी, तो सदैव प्रसन्न रहते हुए लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोगों का संपर्क भी होना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोक संग्रह का मतलब है सद प्रवृत्ति के लोगों का संगठित करना चाहिए, विधायी दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और इसके साथ साथ पार्टी के उद्देश्य और नीतियों को भी जमीन पर उतारना चाहिए। इस सब में प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, वरना धीरे 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 जनता हमारा संपर्क करना ही छोड़ देती है। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं पहली बार विधायक चुनकर गया तब बड़ी युवा अवस्था में गया था, तेज तर्रार विचार थे, बर्ताव भी तेज तर्रार था, पर धीरे 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 समझ में आ गया कि प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। हंसते 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 ही दायित्व का निर्वहन करना, इसके लिए कुशलता चाहिए और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने मेरे स्वभाव के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इतनी उम्र के साथ किया। कुछ तो उम्र ही कर देती है और कुछ अनुभव भी करता है। मित्रों, अधिकारियों के साथ, क्षेत्र के विकास के साथ हमेशा जनप्रतिनिधि का संघर्ष रहता है। मैं विस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकता करता, परंतु जनता की समस्याओं के लिए भी संघर्ष रहता है। हमने समझना पड़ेगा कि अधिकारी एक निश्चित प्रकार की कार्य योजना जो स्टेट लेवल पर तय हुई इसके अधीन काम, इसका बजटरी प्रोविजन होता है, इसकी योजनाएं होती है, योजनाएं की कुछ शर्तें होती है। और हमारा प्रॉब्लम है कि सुबह हमारे घर 100 लोग आ गए तो हम क्या करें, फटाक से फोन उठाकर कह देते हैं। और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटुता होती है वो कुल मिलाकर क्षेत्र की सेवा नहीं करती।
हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लीक कर देने की आदत डेवलप करनी चाहिए, जितना होंगे उतना ही आगे काम जल्दी।